हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं हमारी पुलिस कांस्टेबल के सॉल्व क्वेश्चन पेपर 2019 की सीरीज, जिसमें हम आंसर कीज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम जनरल स्टडीज के यानी कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए और अपने आंसर्स टैली कीजिए और हमें बताइए आपके कितने नंबर्स बन रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे मैथमेटिक्स पोर्शन की। तो मैथमेटिक्स में मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा कि आंसर कैसे आए, क्योंकि उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो चाहूंगा, वो भी ऑन डिमांड। अगर आप कमेंट करके मुझे बताते हैं कि अगर आपको चाहिए कि किस तरह से सॉल्व किए तो मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे हम आंसर्स की। तो अगर आपने अभी तक वीडियो या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिलेंगे और हमें वीडियोस बनाने के लिए ऐसी हिम्मत मिलती रहेगी। सो शुरू करते हैं मैथमेटिक पोर्शन हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 2019 के क्वेश्चन पेपर। तो सीरीज बी को मैं सॉल्व करने वाला हूं। इसमें 18th क्वेश्चन से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। 18th क्वेश्चन में दो बात कर रहा है सतीश और रजनीश के बारे में। उसने बोला कि सतीश के पास कुछ एक अमाउंट है, उसका 30% उसने रजनीश को दिया। जो 30% अमाउंट है तो उसमें से 20% की किताबें खरीदी गई रजनीश के द्वारा और 25% उसने मोबाइल फोन खरीदने में खर्च कर दी। मतलब उन खर्चों के बाद भी रजनीश के पास 26,400 रुपए बच गए। पर ये बोल रहा है कि सतीश के पास कुल कितने पैसे थे जिसका उसने 30% रजनीश को दिया। तो आपने एक सिंपल से आपने इसमें मैथमेटिक्स को सॉल्व करके आपका जो आंसर था वो था 160,000 रुपए। आंसर इज ए। उसके बाद 19वें सवाल को डिस्कस करते हैं। इसमें सिर्फ आंसर डिस्कस करूंगा और नहीं करूंगा कुछ। 19वें में बोल रहा है कि 2486 की संख्या में से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाए ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सके। तो हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। तो उसके बाद चेक करते हैं कि कौन सी जो संख्या है वो परफेक्ट स्क्वायर है। 19वें का आंसर है सी, 85 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 20वां सवाल, राम ने कार्य को पूरा करना शुरू कर दिया। 18 दिन के बाद उसने 60% वर्क जो था कंप्लीट कर दिया। उसके बाद क्या किया उसने, उसने श्याम की मदद ली और दोनों ने मिलकर जो 40% रिमेनिंग था उसको 10 दिन में खत्म कर दिया। तो ये बोलने की कोशिश, पूछने की कोशिश कर रहा है कि श्याम की तुलना में राम कितने परसेंट अधिक एफिशिएंट है। तो इसमें आपने परसेंटेज से निकाल देता है, वर्क डन निकालना था। इसमें जो आंसर है परफेक्ट आंसर इज 400%, यानी कि ऑप्शन सी। उसके बाद 21, 22, 23 हम पहले ही डिस्कस कर चुके जनरल स्टडीज में, तो वीडियो का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। उसके बाद 25th जो सवाल है, 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, जनवरी 1, 2008 को सप्ताह में कौन सा दिन होगा 1 जनवरी को, द आंसर इज बी, मंगलवार। उसके बाद 26वां जो सवाल है, 26वां सवाल बताता है सीरीज में 5, 6 इसने बोलने की कोशिश कर रहा है, 5, 6 उसके बाद 14, 45, 184। तो इसको आज किस तरह से सॉल्व कर सकते थे अगर थोड़ा सा ग्लिम्स में दे दूं, जो 5 ये इस तरह से यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, 5 × 1 + 1 = 6 × 2 + 2 = 14 × 3 + 3, ऐसे आपको आंसर मिल जाते 6, 14। उसके बाद 85, 45 उसके बाद 184। अगर आप ये सारा का सारा कर लेते तो ये सारा का सारा इस तरह से सॉल्व हो जाता और इस पूरे के पूरे लॉजिक के बाद होल्ड करने के बाद जो हमारे पास आंसर मिलता है दैट इज 26 का बी आंसर मिलेगा, दैट इज 925। उसके बाद 27th क्वेश्चन में क्या आपने डिस्कस करना था इसको थोड़ा सा देख लें। 27th क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि यहाँ पर इसने कुछ मार्क्स दिए, जैसे बोला कि अंडर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क, उसको डिवाइड किया 2^4 से, मल्टीप्लाई किया सबको 512 से, आंसर आता है 288। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है 27th क्वेश्चन का दैट इज सी, 81। अगर आप इसको डाल दे तो 288 आ जाए, दैट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 28th क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हमारी टीम के हिसाब से, यानी कि 5 लगातार विषम संख्याओं का योग 275 है, तीसरी और पांचवी विषम संख्याओं का अंतर कितना होगा। हमारे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए 4, जो कि इनमें से कोई नहीं है। सो हम वेट करेंगे कि ऑफिशियल आंसर की जब आ जाए तो उसका क्या होगा। अगर आंसर 4 हमारा करेक्ट रहा तो ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली रिपील हो जाएगा, सबका आंसर करेक्ट, क्योंकि हमारे हिसाब से 4 आ रहा है तो सारे के सारे ऑप्शन गलत है। उसके बाद 29th जो सवाल है, 45 पृष्ठ की एक पत्रिका है जिसमें हर पृष्ठ पर 30 पंक्तियां हैं और हर पंक्ति में 48 अक्षर है। इस यदि इस समस्त सामग्री को किसी दूसरी नोटबुक में लिखना हो जिसमें हर पृष्ठ पर 18 पंक्तियां हो और 90 अक्षर हो, नई नोटबुक में पुरानी पत्रिका के तुलना में कितने परसेंट अधिक या कम होंगे पृष्ठ देखने की कोशिश करें। 29 का आंसर है डी, लगभग इसमें 11 raised to power 1/9 जो कम
है उस हिसाब से काम होगा. सो द आंसर इज डी. 30 का जो है ए नामक रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी वाला ये बोलने की कोशिश कर रहा है 40 सेकंड लेती है, बी वाली 50 सेकंड लेती है. तो इसका जो आंसर है सॉल्व करके, जो हमारा आंसर है 30 क्वेश्चन का, दैट इज ए 5:12 इसका आंसर आपको मिल जाएगा. 31 में डिस्कस कर रहे हैं कि 7500 की धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है 9.27, इस गणना में वार्षिक ब्याज दर कितनी होनी चाहिए. 31 इजी वेरी क्वेश्चन. इसमें जो आंसर है दैट इज बी, 6% की ब्याज से आपका इतना बन रहा है. उसके बाद 32nd लास्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, एक व्यापारी ने एक वस्तु को 10% हानि में बेचा, यदि उस वस्तु को 107.10 अधिक बेचता, इतने पैसे अधिक बेचता, तो उसे 20% का लाभ होता. यदि उस वस्तु को 30% की लाभ पर बेचना हो तो उसकी कितनी होगी, जी सेलिंग प्राइस क्या है उसका. जो आंसर इज 464, यानी कि 464.10 इसका आंसर है. आई होप आपने सारे के सारे आंसर मैच कर लियो, और देखने की कोशिश करें कि आपके इस सेक्शन में कितने बन रहे हैं, और हमें बताएं कि आपका जो कंप्लीट आंसर है या आपकी पूरी आंसर की देखने के बाद आपके कितने नंबर बन रहे, सो दैट हम आपको बता सकें कि कट ऑफ कितने जाने की आशंका है. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए.